बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अदनान ख़ान है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो गोलड़ा मोड़ अंडर पास की अपडेट पे है। गूगल मैप पे थोड़ा सा आपको मैं एरिया बता देता हूँ। ये सदर की तरफ जाने वाला रोड है और ये मोटरवे और पेशावर की तरफ जाने वाला रोड है। ये रोड श्रीनगर हाईवे G13 की तरफ से आ रहा है और ये वाला रोड गोलड़ा रोड कहलाता है और I-14 की तरफ जा रहा है। यहाँ से आप वीडियो देखेंगे, इस एरिया में कंपेक्शन का काम कर लिया गया है। ये टर्न से आगे तक जो यूनिवर्सिटी का जो सर्विस रोड है इसके करीब तक जो कंपेक्शन का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे अभी भी कंपेक्शन का काम किया जा रहा है और इस एरिया में बैक फिलिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। जो कायदे आज़म हॉस्पिटल वाली साइड है, इसमें इस टर्न से ले के कायदे आज़म हॉस्पिटल तक एस्फाल्ट की एक लेयर बिछा दी गई है और फ़िलहाल अभी तक अंडरपास की एक्सीवेशन का काम स्टार्ट नहीं किया गया। वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको वीडियो में दिखाते हैं। मेरा फेस 26 नंबर बस स्टॉप की तरफ है। ये सदर से आने वाला रोड है जो कि 26 नंबर मोटरवे और पेशावर की तरफ जा रहा है। ये गोलड़ा मोड़ अंडरपास प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस साइट पे बैक फिलिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे श्रीनगर हाईवे से आने वाले ट्रैफिक के लिए, जो कि I-14 की तरफ जाएगा, उसके लिए ब्रिज बनाया जाएगा और पेशावर रोड की ट्रैफिक के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। ये रोड गोलड़ा मोड़ से यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाला रोड है। यहाँ पे भी कंपेक्शन का काम मुकम्मल हो चुका है। मेरा फेस सदर की तरफ है, मेरी बैग पे 26 नंबर बस स्टॉप है। काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। 3 महीने पहले भी इस एरिए में कंपेक्शन का काम किया जा रहा था और अभी भी इस एरिए में कंपेक्शन का काम किया जा रहा है।
लेफ़्ट पे गोलड़ा रोड है जो श्रीनगर हाईवे की तरफ से आ रहा है। यहाँ से लेके कायदे आज़म हॉस्पिटल तक एस्फाल्ट की एक लेयर बिछा दी गई है। गोलड़ा मोड़ अंडरपास की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।